हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से दो दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने उसका रिप्लाई दिया। और मैंने जब उन रिप्लाईज को देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि बेसिक क्वेश्चन का आंसर 80% बच्चे गलत दे रहे हैं। दैट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई मस्ट शो यू कि वो क्या है। ये एक मैंने पोस्ट किया था आज से एक दिन पहले, यहाँ लिखा रहा है वन डे एगो। और एक बेसिक क्वेश्चन था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने ही ट्रिग्नोमेट्री से कंपैरिजन करने के ऊपर क्वेश्चन था। साइन वन डिग्री से छोटा है, कॉस वन डिग्री कॉस वन से छोटा है, वन टेन वन से छोटा है, साइन फोर डिग्री साइन फोर से छोटा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो उसमें जो बच्चों ने आंसर दिया है 79%, मतलब मोर देन 450 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत दिया है। तो आई थॉट कि एक वीडियो बनानी चाहिए यार, इतनी बेसिक बेसिक बातों पे आप अगर गलतियां करोगे तो फिर कैसे होगा एग्जाम क्लियर। मतलब इतना कंटेंट वीक होता है बच्चों का, मतलब हवा में तीर चला रहे हैं बच्चे, बस पढ़ पुढ़ के बस एग्जाम दे आए और हो जाए हमारा। ऐसा नहीं होता है भाई, यूपीएससी पागल नहीं है, वो अपना जो बच्चे काबिल है ना उन्हीं को सिलेक्ट करेगी, और काबिलियत उनके जो यूपीएससी का एग्जाम बनाता है ना उसी से पता चल जाती है। उसको जो क्रैक करता है वही काबिल होता है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ भी आंसर दिया आपने, 79% स्टूडेंट्स ने 563 वोट्स में, मींस 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है कि कॉस वन की वैल्यू कॉस वन डिग्री से बड़ी होगी। कमाल कर दी यार, बच्चों को वन और वन डिग्री में डिफरेंस नहीं पता क्या होता है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की, 11th क्लास के अंदर थर्ड सेशन के अंदर मैं ये सब चीजें सिखा देता हूं, थर्ड या फोर्थ सेशन में बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया जाता है। कंपैरिजन कैसे करना है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको कभी भी कंपैरिजन करना है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, तो बेस्ट होता है अगर आप ग्राफ्स जानते हो। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ वन डिग्री और वन रेडियन में फर्क क्या है। वन रेडियन का मतलब होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं, छोटा सा सी लगा सकते हो ऊपर, इज अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स। ये आपको बेटा पता होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं साइन और कॉस के कंपैरिजन की, तो इट इज सो सिंपल बेटा। अगर मैं साइन का ग्राफ आपके सामने बनाता हूं, तो अगर आपने देखा हो ये साइन का ग्राफ होता है, इसी तरह से पीछे भी जाएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2 90 डिग्री। मैं ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहा, ज़्यादा आगे की डिटेल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं साइन का ग्राफ के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि वन डिग्री, अच्छा ये वन है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की वन होती है, वन कहीं यहाँ होगा क्योंकि 57 डिग्री है, 57 डिग्री इज राइट हेयर 90 से थोड़ा सा पहले, और वन डिग्री विल बी हेयर। तो मुझे बताओ ये वैल्यू जो मिल रही है वन डिग्री से साइन दे रहा है, ये जो मैंने येलो कलर किया है ये वैल्यू है, और वन ने जो वैल्यू दी है, किसने बड़ी वैल्यू दी है जरा बताओ। अगर मैं साइन वन डिग्री या साइन वन पूछ रहा हूँ तो मैं वाई पूछ रहा हूँ आपसे, वाई। मैं ये नहीं पूछ रहा वन बड़ा है कि वन डिग्री बड़ा है, वो तो वन ही बड़ा है, 57 डिग्री ऑब्वियसली बात है वन डिग्री से बड़ा है। मैंने पूछा साइन वन बड़ा है कि साइन वन डिग्री बड़ा है, तो वैल्यू पूछनी है आपको, कर देखना है ये वर्टिकल लाइन किसकी बड़ी है। वन पे दिस इज साइन वन, दिस इज साइन वन, एंड दिस येलो लाइन छोटू सी साइन वन डिग्री, तो विच वन इज ग्रेटर, साइन वन इज ग्रेटर। और वैसे भी कह सकते हो जब कोई फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसके इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ती है, साइन 0 से π/2 में इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर आप इनपुट को बढ़ाओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगी। तो वन डिग्री और वन में 57 डिग्री बड़ा है, वन बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है साइन वन भी बड़ा होगा। तो पहली जो हमारा पोस्ट था, पोस्ट का जो फर्स्ट ऑप्शन था साइन वन डिग्री इज ग्रेटर देन साइन वन, ये गलत था। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं अब बात कर लेता हूँ पहले कॉस की, कॉस वन डिग्री इज लेस देन कॉस वन। तो कॉस के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ आपसे, कॉस के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉस, सेम वही है कि 0 ये π/2
दिस इज पाई बाय टू, हेयर वन 57 डिग्री अप्रॉक्स, हेयर वन डिग्री। कॉस जो होता है पहले डिक्रीज करता है और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो इनपुट बड़ी है वो वैल्यू छोटी देगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं वन डिग्री की, तो कॉस वन डिग्री, दिस इज कॉस वन डिग्री एंड दिस इज कॉस वन, इस बार कॉस वन डिग्री बड़ा है। वैल्यू देखो ना, बड़ी किसकी है, व्हाइट वाली लाइन बड़ी कौन सी, कहां पे है, वन डिग्री पे, वन पे है, वन डिग्री पे वैल्यू काफी क्लोज है, वन के क्लोज है, दिस इज वन ना, ये लेंथ वन है पूरी की पूरी, और कॉस वन 57 डिग्री पे छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब इस बार कॉस वन डिग्री बड़ा हुआ, दोनों ही गलत हो गए, कॉस वन डिग्री को बड़ा होना चाहिए था। उसके बाद मैं बात करता हूं वन लेस देन टेन वन, अगर मैं टेन की बात करूं, टेन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पीरियोडिक है, इंक्रीजिंग है। मैं बात करूंगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहले, बना तो मैंने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू बना दिया, अगर आप ये डॉटेड लाइंस को सेमटोट्स कहते हैं। मैं बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता हूं जब मैं बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 45 डिग्री पे मतलब पाई बाय 4 पे ये 1 देता है, पाई बाय 4 पे 1 देता है, और पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे ये वैल्यू 1 देता है। और आपको पता है tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं tan के अंदर 45 डिग्री से बड़ी वैल्यू डालूंगा लाइक 46 डिग्री, लाइक 47 डिग्री, लाइक 47 9 डिग्री, 50 डिग्री, और 57 डिग्री डालूंगा अप्रॉक्सीमेट 1 मतलब 1 रेडियन, तो वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1 से तो बड़ी आएगी, एंड दिस इज tan 1 राइट। तो tan 1 इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि 45 डिग्री पे वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री 1 है, और tan 57 डिग्री ऑब्वियसली बात है 1 से बड़ा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो tan 1 इज ग्रेटर देन 1, tan 1 इज ग्रेटर देन 1, तो दिस ऑप्शन tan 1 इज ग्रेटर देन 1 इज राइट आंसर। ठीक है, ये एक राइट आंसर था हमारा, यहां देखेंगे ये एकदम परफेक्ट आंसर था, 1 इज लेस देन tan 1, tan 1 इज tan 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। और फोर्थ ऑप्शन में तो सोचना ही नहीं था, फोर्थ ऑप्शन तो इतना सिंपल था कि भाई साइन 4 डिग्री लेस देन साइन 4, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सोचिए, अभी मैंने बच्चों को बताया है कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री, अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं मैं यहां पे, तो 4 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 228 डिग्री, और 228 डिग्री का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है साइन 4, क्या है नेगेटिव वैल्यू है। मैं अगर साइन का ग्राफ आपको दिखाता हूं, तो यहां पे ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज पाई 180 डिग्री, दिस इज 3 पाई बाय 2 270 डिग्री, तो यहां पे कहीं 4 आएगा, 4 रेडियन 228 डिग्री, 228 डिग्री पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ग्राफ इज लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, और साइन 4 डिग्री विल बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट है 4 डिग्री, तो साइन 4 डिग्री विल बी, साइन 4 डिग्री विल बी ग्रेटर देन, तो ये भी गलत हुआ, तो पहले गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत। तो इसका जो राइट आंसर था वो है tan 1 ग्रेटर देन 1, मतलब मात्र 7% बच्चों ने, 7% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, 563 वोट्स हैं, अब शायद बढ़ गए हों। व्हाट इज गोइंग ऑन, कैसे करोगे तुम कंटेंट को स्ट्रांग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मैंने वैसे ही आई वॉज रेस्टिंग एंड आई थॉट कि चले यार एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, देखते हैं बच्चों को क्या रिप्लाई आता है। आई वॉज थिंकिंग कि क्या डालूंगा, आई थॉट कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं, पोस्ट कर दिया 79, इट वॉज शॉकिंग रिजल्ट फॉर मी। तो प्लीज जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कोर्स के पीछे मत भागो, क्वालिटी पे काम करो,
मैथमेटिक्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है, अगर किसी को उसकी आदत पड़ जाए ना तो जिंदगी भर मैथ्स पढ़ता है वो, पढ़ाता भी है साथ साथ। हमें भी ऐसा ही हुआ, 10th तक ऐसा ही था हमारे साथ कि हमारी मैथ्स वीक थी, लेकिन 11th और 12th में हमें ऐसा शौक पड़ा मैथ्स को पढ़ने का, आज हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मैथ्स जब भी पढ़नी है तो ये सोच के समझ पढ़ना है कि हमें क्वांटिटी पे काम नहीं करना, हम जो भी टॉपिक पढ़े उसकी गहराई में जाएं, उसकी डेप्थ में जाएं, ताकि उससे कोई भी सवाल आए हम टैकल कर पाए। यही मांगती है UPSC। आप खुद सोचिए, 120 क्वेश्चन में से कोई बच्चा 50 क्वेश्चन भी कराता है, 50 क्वेश्चन तो ज़्यादा बोलती है, 40 की बात करता हूँ मैं, तब भी उसके 100 मार्क्स आ जाते हैं, और 300 मार्क्स अगर वो GAT से ले आता है तो 400 मार्क्स बन जाते हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर होता है। 40 क्वेश्चन 120 में से करने के लिए आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, आपको जो भी कंटेंट आपके पास है उसी पे काम कर लो क्वालिटी से, तो आप उन क्वेश्चनों को ढूंढ के, उन टॉपिक से क्वेश्चनों को ढूंढ के कर सकते हो क्लियर। अगर आपको इसके लिए मेरी हेल्प चाहिए तो मैंने आपको 13 चैप्टर्स के बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से वीडियो में बता रखा है। कोई बच्चा आज भी जुड़ना चाहता है, 60 डेज बचे हैं, तो अग्नि 4.0 बैच को ज्वाइन करके उन 13 चैप्टर्स में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। वो 13 चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जिससे 65 क्वेश्चंस आने हैं। हम हालांकि कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स कर चुके हैं, हम 6 चैप्टर कर चुके हैं, हम 7 चैप्टर्स और हमारे रहते हैं। कल से हमारी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद स्टैट्स है, उसके बाद हमारा फंक्शन लिमिट AODA स्ट्रेट लाइन है, दीज चैप्टर्स आर लेफ्ट, बाकी हमने सब करवा दिया है और प्रैक्टिस करवा रहे हैं खूब सारी। तो अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, और ऐसे कम्युनिटी पोस्ट मैं करता रहूंगा पोस्ट, आप रिप्लाई देना, और इन्हीं पोस्ट के ऊपर ही हम वीडियोस बनाएंगे और आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं बढ़िया। और इस वीडियोस को आप शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो बेहतरीन हो, जो लाजवाब हो, जिससे बच्चों को सीखने को मिले और वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे पाए। तो बेटा इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, लाता हूँ बहुत जल्दी, और उससे पहले मैं दूंगा आपको एक कम्युनिटी पोस्ट, रिप्लाई करना, आई विल वेट फॉर योर वोट्स, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।